आज मैं खा रही हूँ दाल चावल, और ये मेरे साथ कोल्ड ड्रिंक पड़ी है ड्यू, ये रही। तो एक ने वाला निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है? खा के दिखाती हूँ कि कैसे, मतलब खा तो नहीं है मैंने फिर भी, और मतलब मेरी अतिका कहती है कि नहीं खाना मत दिखाया करो, लेकिन क्या करूँ यार, कहती है नज़र लग जाती है, खाना मत दिखाया करो वीडियो में। तो कोई बात नहीं, नहीं लगती नज़र। मज़ेदार, मज़ा आ गया। क्या चावल बनाए ना, क्या दाल बनी है यार, मतलब उंगलियां चाटने का दिल कर रहा है। वाह यार, मतलब अगर आपके घर में ऐसी कोई कुक हो ना, तो फिर आपको टेंशन नहीं रहती खाने की। मेरे घर में है अतिका तो इस वजह से मुझे किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। मैं खाना पीना आराम सुकून से मुझे मिल जाता है, छत है मेरी और 3 टाइम का मुझे खाना मिल जाता है, बस यही बहुत है, और क्या करना है। तो बस मिलती हूँ थोड़ी देर बाद खाना खा के। सो गाइस, ये है मेरी टिकटॉक की आईडी जो मैंने न्यू बनाई है अभी, तो आप लोग जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर लो, ठीक है? ये है मेरी न्यू आईडी। सो हे गाइस, वेलकम टू अतिका गज़ल की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है और फिट फाट हैं। तो कैसे हो आप सब, ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हो, परफेक्ट हो। तो आज बहुत ही एक मज़े की चीज़ करने वाली हूँ मैं, बहुत ही मज़े की, बता नहीं सकती, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और पिछला व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग बताना मुझे, ठीक है? मेरे साथ जो भी हुआ उसका बदला मैं लूँगी, अतिका से लूँगी, ठीक है? बहुत ही जल्दी लूँगी। तो बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े थे, सबको मज़ा आ रहा था। तो आज मैं अतिका के साथ ऐसा प्रैंक करूँगी ना, अतिका याद रखेगी, मतलब वो उस सीरियस ही हो जाएगी। देखती हूँ वो सीरियस होती भी है कि नहीं होती, मतलब ऐसा उसको मैं कर लूँगी ना कि हाँ, मतलब हम जा रहे हैं, फाइनली हम जा रहे हैं, ऐसे ऐसे वाला। तो ये रहा मेरा शीशा, देखो, ठीक है ना? तो अभी मैं बाल बंद करती हूँ अपनी, ठीक है? ओके गाइस, डन, ठीक है? ओके, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस, जो मैं अतिका के साथ प्रैंक करने वाली हूँ ना, उसमें आप लोगों को इतना मज़ा आएगा ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है? तो चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि मैं कौन सा प्रैंक करने वाली हूँ अतिका के साथ। तो मैं अतिका के साथ प्रैंक करने वाली हूँ कि हमें आया है बिग बॉस से कॉल। मतलब इंडिया से कॉल आया है हमें, ठीक है, कि मतलब आप लोगों को हम बिग बॉस में ले रहे हैं, अतिका को और आपको, ठीक है, अतिका गज़ल की दुनिया को। तो देखती हूँ अतिका का क्या रिएक्शन होता है, ठीक है? मैं उसको बोलती हूँ, क्योंकि भाई है दुबई में, तो भाई से कॉन्टैक्ट किया है उन्होंने कि हाँ, आपकी जो बहनें हैं उनको हमने इनवाइट किया है कि वो आए मुंबई में, हाँ मुंबई में आए और बिग बॉस के शो में आए, ठीक है? तो मतलब देखते हैं अतिका का क्या रिएक्शन होता है, ठीक है? बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है, उसका रिएक्शन देखने वाला होगा, तो एंड मिस मत करना, ठीक है? चलो अभी चलते हैं, वो किचन में चाय बना रही है मेरे लिए, ठीक है? तो जल्दी से चलते हैं उसके पास, थोड़ी सी बातें करेंगे, उसके बाद उसको हम बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, वरना वो मतलब उसको पता लग जाएगा कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी ना, इसलिए कर रही हूँ। तो खैर छोड़ो, ठीक है, अभी हम चलते हैं, ठीक है? तब तक आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और ढेर सारा प्यार दे दो, ठीक है? क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, जल्दी से प्यार बरसा दो अपना, ठीक है, ताकि हम और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना पाएँ आप लोगों के लिए, ठीक है? तो ओके, चलते हैं बाहर। तो गाइस, मैं आ गई बाहर, ठीक है, रूम लॉक कर दिया मैंने, और क्या मेरे पाँव में फंस गया, हाँ, और ये चीज़ें दिखानी है मैंने आपको लोगों को, बहुत ही गंद डाला हुआ है हमने, दिखाती हूँ आपको, ठीक है? ये देखो, ये जो चीज़ें हैं ये बाहर जाने वाली हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो इसलिए मैंने कहा कुछ बांध लेती हूँ कपड़े। तो ये जो कपड़े हैं ना, वो सारे मैंने निकाल दिए, ठीक है, ये तो वैसे ही हमारे बैग्स पड़े हुए हैं। तो ये जो कपड़े हैं ना, ये मैंने निकाल दिए, ताकि मैं मतलब बाहर जो भी लोग हैं ना, उनको मैं मतलब दे सकूँ, ठीक है? तो उनके लिए मैंने ये निकाल के रखे, बाकी ये तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है? और
ये जूतियाँ भी इनमें से देखूंगी जो मैं नहीं पहनती वो मैं दे दूंगी, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा मैं नहीं रखना चाहती क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए, और अभी ऊपर भी बहुत सारे कपड़े हैं तो उनमें से भी मैं निकालूंगी, ठीक है। देखूंगी जो मैं नहीं पहनती वो सारे मैं कपड़े दे दूंगी, ठीक है। और ये देखो मेरा टेलीफोन कितनी दूर पड़ा हुआ है, मतलब मैं इसको यूज़ भी नहीं करती और मैं किसी को कॉल भी नहीं करती इससे। काश कोई इस पर मुझे फ़ोन करे, फ़ोन करना मुझे, ठीक है, मेरे टेलीफोन पे। और ये मेरा झूमर, मेरा प्यारा सा झूमर, जला के दिखाऊं आप लोगों को? ऐसा मत समझना कि ये जलता नहीं है। ये लग गया मुझे मनुष्य नीचे तो देख ले यार, व्लॉगिंग के चक्कर में भूल गई थी कि नीचे भी देखना होता है, तो मैं इसको दिखा रही हूँ। हाँ ये देखो, ये है हमारा प्यारा सा झूमर। कितनी प्यारी लाइट है ना, कलर्स भी तो चेंज होते हैं। हाँ कलर्स भी चेंज होते हैं, अभी ये कलर है, ठीक है, और उसके बाद अभी अभी ये देखो, अभी ये है, ये येलो है और वो वाइट था। देखो कैसा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो यहाँ की ना ये पूरी जो है ना, मतलब ये तो वॉल बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, ये हमारी फेवरेट वॉल है, ठीक है। और ये भी मैंने खुद ही डेकोरेट की थी, तो यहाँ पे भी ना मैं कुछ सोच रही हूँ कि कुछ करें हम यहाँ पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी हम यहाँ का भी कुछ सेट करेंगे, ठीक है। ये पूरा गंद निकाल लेना, उसके बाद हम यहाँ का भी कुछ सेट करेंगे। तो चलो अभी इसको बंद करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइटों का बहुत ज़्यादा बिल आता है भाई, और ये हमारा वाईफाई। तो अतिका के पास चलते हैं, ठीक है। अतिका बेचारी चाय बना रही है मेरे लिए, तो अतिका की घंटी बजाते हैं हम। क्या हम आ सकते हैं आपके किचन में? बिल्कुल भी नहीं आ सकते आप लोग, ये तो हमारी बेइज्जती हो गई गाइस, बहुत ही बुरी। पर हम फिर भी आएंगे क्योंकि हम ढीठ हैं। ये तो बात सही बोली यार। तो कोई नहीं, चलो गैलरी में चलते हैं हम, ठीक है। गैलरी में चलते हैं, इधर आते साथ ही इधर से ट्रांसफर होके सीधा आगे निकल रही है यार, क्योंकि किचन में मेरा दम घुटता है गाइस, यू नो किचन में कौन ही जाए भाई। तो अभी ओह माय गॉड इतनी ठंडक, मतलब मौसम जो है ना अब अच्छा हो गया है माशाल्लाह। देखो कितना अंधेरा है सोसाइटी में, पूरा अंधेरा अंधेरा, और आसमान देखो कितना खाली है यार, ओह माय गॉड कितना खाली आसमान है। तो गाइस मतलब मैं सोच रही हूँ मतलब कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मतलब मेरे पास पैसे आ जाएं। मतलब मुझे कोई काम भी ना करना पड़े और मतलब पैसे आते रहें, पैसा ही पैसा होगा। ऐसा क्या करूँ मैं, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। अगर आप लोग मतलब मुझे समझते हो तो आप लोग मुझे बताना कि आप चाहते हो कि गज़ल के पास भी पैसे आएं। तो मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि लाइफ का गुजारा नहीं हो रहा मेरा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो आप लोग बताना, ठीक है, बिना काम किए हम कैसे पैसे कमा सकते हैं और हम सुकून से लेटे सोते में भी यही सोचती रहती हूँ कैसे क्या कैसे कमाएं यार। हाँ तो ये सोते हुए भी सोचती है कि पैसे कैसे कमाने हैं, ठीक है। हर किसी को यार मतलब पैसे कमाने, पर कुछ समझ ही नहीं आती क्या करे क्या ना करे, मतलब काम में दिल नहीं लगता यार, बस पैसे आए, काम वाम नहीं होता हमसे भाई। ये लाइफ हम बड़ी मुश्किल से बैठते हैं भाई, तो काम तो क्या ही करेंगे हम, तो बस इसको अगर काम पे रखना है तो उसको रख सकते हैं आप लोग। गजब बेइज्जती है। मेरा गुजारा नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा जरा। दो दिन में दूध खत्म हो रहा है यार, कहाँ से लाएं इतने पैसे, कहाँ से लाएं, क्या करें, आप कितने करते हैं? इतने सारे खर्चे पड़े हुए, इतने सारे बिल पड़े हुए, समझ नहीं आ रहा कि बिल कैसे देना है यार। इतनी जिम्मेदारी है कसम से हमारे ऊपर, तो यार सबसे ज्यादा हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है, मतलब ऐसे एक ना बोझ हमारे सर पे बोझ है कि ये उतारना है, ये करना है, ये करना है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता। पर क्या करें यार, जिंदगी है इसी का नाम, तो इसी का नाम है। हाँ जिंदगी इसी का नाम है, ठीक है। इसका तो पता नहीं क्या नाम है। तो गाइस ये अभी मेरे लिए चाय बना रही, ठीक है, मतलब ये बहुत ही ख्याल रखती है, मेरा बहुत ख्याल रखने वाली है। तो
अभी हम पियेंगे चाय, ठीक है? चाय पियेंगे और उसके बाद एक सरप्राइज है अतिका के लिए, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, तो वो सरप्राइज मैं दूंगी अतिका को, ठीक है? और उस पर हम रिएक्शन चेक करेंगे अतिका का, ठीक है, कि वो क्या रिएक्ट करती है, मतलब क्या उसको फील होता है, क्या फीलिंग होती है उसकी उस टाइम की, तो देखते हैं हम, ठीक है? तो हाँ, आप कह रही थी चूहा आ गया यार हमारे घर में, चूहा आ गया, पता नहीं कहाँ से आया है, कब आया, कैसे आया है। पहले तो उस कमरे में चला गया था, फिर वो हमने कमरा बंद कर दिया, ये भी कमरा बंद रखते हैं, पर ये बाहर शायद घूम रहा है, इसने सुबह देखा था, बताओ जरा तुम। हाँ गाइस, वो सीढ़ियों से आ रहा था और सोफे के नीचे घुस गया, मतलब उसको मैंने इसको पूछा कि यार वो बाहर क्या कर रहा था, तो कहती घूमने आया होगा। हाँ यार, उसका भी दिल करता होगा कि मैं इधर जाऊं, उधर बैठूं सोफे पे बैठूं, ये करूं वो करूं, तो मतलब वो भी यार एक इंसान ही हुआ ना इंसान वाली फीलिंग यार आप मतलब नहीं करोगे, मुझे किस चीज से इतना डर लगता है जितना चूहे से लगता है, चूहे की वजह से मेरा किचन में खड़ा होना मुश्किल है। हाँ गाइस, इतना डरती है ना, मैं बता नहीं सकती, मतलब जब मैं सफाई कर रही थी इसकी वजह से मैंने पूरा रूम मैंने सफाई किया, तो चूहे की वजह से मुझे फायदा हुआ फिर भी मैं डर रही हूँ। एक एक चीज मैंने निकाल के साफ की कि भाई चूहा नहीं है इस रूम में, टेंशन मत लो, ठीक है? फिर जाके इस लड़की को सुकून आया, लेकिन टाइम में कैसी थी, लेकिन सुबह फिर से चूहे ने हमें कहा अस्सलाम वालेकुम मैडम तो मतलब फिर से एंट्री कर ली चूहे ने, ठीक है? पता नहीं कहाँ से आया, ऊपर गया होगा शायद स्टोर रूम में, या तो यहीं पर होगा ड्राइंग रूम में, कपड़ा है कि स्टोर रूम में, पता नहीं कैसे हम जाके चेक करें। तो अभी हम जाएंगे तो चूहे मार दवाई लेकर आएंगे, वो खिलाएंगे इसको, देखो खाता है कि नहीं, और ये उसके लिए ना चीजें रख रही है बाहर की, वो खाता है कि नहीं खाता तो मतलब उसने तो कुछ खाया ही नहीं पता नहीं क्या खा रहा है वो। कपड़े ना खा रहा हमारे नहीं नहीं अल्लाह अल्लाह माफ करे, कपड़े नहीं खाएगा यार, जूतियां पड़ी हैं, मतलब कुछ पड़ा हमारा ऊपर, बस क्या करें, मतलब इतना ये डरती है चूहे से, ये उस पे मतलब चेयर के ऊपर खड़ी हो गई थी और बेड के ऊपर खड़ी हो गई थी कि हाँ मतलब चूहा आएगा मुझे खा लेगा, चूहा यार इतना सा चूहा इसको कैसे खाएगा, मतलब समझ नहीं आती, इतना सा चूहा तुम्हें क्या पता हो इसको खाएगा, मतलब वाह इसको खा के जाएगा कहाँ, मतलब इसको खाएगा यार, देखो इसको देखो और चूहे को देखो यार, मतलब डर होता है, बताओ आप लोग कॉमर्स में यार किस किस को चूहे से डर लगता है, मुझे तो यार बहुत ज्यादा लगता है, गजब को शुक्र है नहीं लगता, वरना तो हम दोनों को लगता होता तो फिर हम तो कपड़े से बाहर भी आते, बहादुर है यू नो, वैसे इसको चीज से लगता है पर चूहे से नहीं लगता, बस स्ट्रांग गर्ल, तो मतलब क्योंकि मेरे वहां पे ना बहुत सारे चूहे, हम चूहों के साथ सोते थे, उठते थे, बैठते थे, मतलब ऐसा था हमारे वहां पे ना, हम चूहों से नहीं डरते अंदर, ठीक है? फिर मैं अतिका को जाके वो सरप्राइज, कंफ्यूजन हो गई है ना, सरप्राइज देती हूँ मैं अतिका को, पता नहीं कौन सा सरप्राइज देने वाली है, क्या रिएक्शन आता है, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही एक अच्छी चीज होने वाली है, और तुम मतलब इतना खुश होने वाली हो ना, मैं तो बता नहीं सकती, तुम इधर ही बता दो यार, तुम अंदर जाने का इंतजार ही क्यों कर रही हो, नहीं इधर नहीं बता सकती, इधर नहीं बता सकती, अंदर जाके जो तुम्हारा रिएक्शन आएगा ना, ठीक है यार देखते हैं अंदर जाके मेरा कौन सा रिएक्शन आ जाएगा, इतना अच्छा रिएक्शन आएगा ना तुम्हारा, चलो देखते हैं कौन सा रिएक्शन आता है मेरा, तो चलो चलते हैं अंदर, ठीक अंदर। गाइस अतिका आने लगी है अंदर, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैंक, ठीक है? तो लेट स्टार्ट, ओके? और ये देखो यार मुझे ना पाँव में इतनी बुरी लगी है, बता नहीं सकती, बहुत बुरी लगी है, तो अभी दर्द को छोड़ते हैं, ठीक है? अतिका को दर्द देते हैं, ओके स्टार्ट। तो गाइस हमारी चाय रेडी होके आ गई है, और किस किस को चाय पसंद है मुझे बताना कमेंट में, बता भी दो यार कौन सी ऐसी गुड न्यूज है जिसके लिए तुमने मुझे लाइटें जलवाई हैं, और कह रही हो अब तुम बैठो तो मैं एक बहुत ज्यादा खुश खुशखबरी सुना रही हूं, लाइटें तो मैंने वैसे ही जलवाई हैं क्योंकि तुम्हारा फेस मैंने कहा काला आ रहा था ना, तो लाइट से थोड़ा ब्राइट हो जाएगा, इस वजह से मैंने कहा कि लाइटें जला लो, कंट्रोल कंट्रोल। बाकी जो गुड न्यूज है ना वो गाइस मैं बता ही देती हूँ उसको, और कितना बेचारी को इंतजार करवाना, ठीक है? तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है, मतलब तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा वो कौन सी बात है, मतलब लोग तुम्हें देखना चाहते हैं उसमें, अच्छा मतलब हम दोनों को देखना चाहते हैं, किस में देखना चाहते हैं, किस में देखना चाहते हैं, बिग बॉस में।
हाँ बिग बॉस में देखना चाहते हैं। किसने कहा तुम्हें बिग बॉस में देखना चाहते हैं? हाँ यार यकीन नहीं कर रही, तुम इनविटेशन आया है हमें। पता नहीं कौन सा इनविटेशन, ख्वाब में तो नहीं देख रही है, कोई पागल तो नहीं हो गई, दिमाग घूम तो नहीं गया तुम्हारा? यार ये यकीन नहीं कर रही, मतलब दुबई से, मतलब दुबई क्या, दुबई में कौन सा इंडिया में होता है, इंडिया में होता है, कोई यहाँ पे नहीं पहचानता? क्यों नहीं पहचानेगा, क्यों नहीं पहचानता? पहचानते हैं सब, ठीक है, वो अलग बात है कि बताते नहीं है, लेकिन पहचानते हैं सब। बताते नहीं है, पहचानते हैं सब। तो गाइस ये यकीन नहीं करी, लेकिन भाई ने मुझे बताया और उन्होंने मुझे फोटो भी सेंड किया, ठीक है, और सारे मैसेजेस मेरे फोन में है, मैं इसको दिखाती हूँ, ठीक है, इसको यकीन नहीं हो रहा ना मुझ पे, दिखाती हूँ तुम्हें मैं। इतने तुम्हें अभी तुम सबर करो, सबर करो तुम अभी। इसमें देखो मैसेजेस चैट्स वगैरह सारे के मैंने एसएस लेके रखे हैं, मतलब यकीन नहीं करी यार। क्यों हमें तुम्हें बुला लिया, हम नहीं जा सकते क्या? किसकी नजरें खराब हो गई? भाई को पागल बोल रही है, किसकी नजरें खराब हो गई? मतलब उन्होंने भाई को कहा कि आपकी बहनें जो है ना टिकटॉक बनाती है, हाँ, तो मतलब उनको हमने इनवाइट किया है कि मतलब वो आए, ठीक है, क्योंकि एक सिंधी है एक पंजाबी, तो मतलब दोनों को एक मतलब देखते ना, देखना चाहते हैं कि वो क्या आगे करती है, मतलब हाँ हमारी स्टोरी कुछ अलग है ना, तो मतलब उनको हमने सारा कुछ बताया, ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ मतलब ये तो स्टोरी और मजेदार मतलब है कि मतलब लोगों को अगर बताएंगे दिखाएंगे वैसे करके, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, बहुत ही फेमस होने वाला है वो तो बिग बॉस। अभी तक पाकिस्तान से कोई गया नहीं, तुम चली जाओगी मैं चली जाऊंगी, किस तरह में इन्विटेशन आ गया भाई? यार ये यकीन नहीं करी, हमें आ गया है, तुम यकीन नहीं करी, क्या पहचानता हमें? किसने ये किसने कहते मैसेज किए तुम्हें? यार सलमान भाई ने खुद फोन किया था, खुद मतलब बात की थी मुझसे कि हाँ सुमन तुमसे इतने मेले बैठे ना, वो सुमन भाई ने तुमसे बात की थी, बस कर दे। ये किसके नंबर है? सुमन नहीं आ रही, किसकी मैसेज इतने? गाइस इसको समझ क्यों नहीं आ रहा यार, हम क्यों नहीं जा सकते, मतलब इतने तो फेमस हैं हम, अल्लाह का शुक्र करो। तुम्हें नहीं पता 1.9 मिलियन है तुम्हारे, 6 अक्टूबर को आ रहा है, और हम कैसे जाएंगे इतनी जल्दी? अगर हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, उन्होंने खुद हमें टिकट भी दी है, और मतलब कब की टिकट है? कब की टिकट है? मतलब परसों की टिकट है, ठीक है, परसों की टिकट है, और जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। 3-4 महीने का सामान कैसे लेके जाएंगे हम? कैसे लेके जाएंगे? मतलब हर चीज तो सारी तो कुछ पैक है ना, तो थोड़े जो कपड़े हैं वो उठा लेना, ठीक है, हमें वहाँ पे कपड़े कौन देगा, क्या सीन क्या मतलब वो तो कांटेक्ट हमारे साथ हो जाएगा ना लोगों को, मतलब वो फिर जो फैशन डिजाइनर है वो हमें खुद ही कांटेक्ट करेंगे। ओह माय गॉड, और कहेंगे कि हाँ हम आपके लिए ये ड्रेस भेज रहे हैं, हाँ हम आपके लिए ये भेज रहे हैं, ये तो मैं खुद ही आ जाएगा वहाँ पे सब कुछ। यार मैं तो पूरी शॉक्ड हो गई सुन के और मैसेजेस देख, मतलब बहुत ही मजा आने वाला है, पंजाबी एंड सिंधी। ओह माय गॉड क्या बात हो गई इतका, मतलब इतना तुमने कैसे काम कर लिया कि तुम्हें बोल दिया यार, मतलब तुम मुझ पे यकीन करो, सब कुछ कंफर्म करके तुम मुझे बता रही हो? हाँ तो मतलब मैं नहीं कर सकती क्या, मतलब मेरे अंदर भी वो पावर है, मैं भी कर सकती हूँ। अब जल्दी से तुम तैयारी पकड़ो परसों की, ठीक है, परसों जाना है, कुछ टिकट्स भी वो हो गई है, सब ना कुछ हो गया, फेशियल करवाया ना कुछ करे, ऐसी शक्लें लेके जाएंगे तो उन्होंने जो फेशियल हो जाएगा, फेशियल वगैरह सब कुछ हो जाएगा, कल की डेट में हम सारा कुछ कर लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, वो टेंशन वाली बात नहीं है। तो यार फिक्स हो जाती है, अब हम कैसे जाएंगे? परसों डायरेक्ट फिर इंडिया जाएंगे हम। हाँ तो मतलब हम इंडिया जाएंगे, ठीक है, पहले हम दुबई जाएंगे, फिर दुबई से इंडिया जाएंगे, ऐसा होने वाला है, ठीक है, हाँ तो सबकी एंट्रियां हो जाएंगी, तो उसके बाद भी तो एंटर होते हैं ना सब, चले सब आते हैं। अगर तो ये सच है तो यार मैं तो फिलहाल अभी खुद शॉक में हूं कि यार सच है, तुम यकीन नहीं कर रही तो वो अलग बात है, ठीक है गाइस, अगर ये नहीं जाना चाहती, अगर ये नहीं जाना चाहती तो मैं चली जाऊंगी यार, जाना चाहती हूँ मैं, क्यों नहीं जाना चाहती यार, मैं जाऊंगी लाजमी, पैकिंग स्टार्ट करो बस। हाँ तो चलो तुम जल्दी से पैकिंग स्टार्ट कर लो, ठीक है, अपने जो भी कपड़े हैं वो सारे कुछ रख दो, सारे सामान रख दो, ताकि हम हमें कोई परेशानी की टेंशन हो रही है, पैकिंग कैसे करूँ यार सब कुछ इतना जल्दी, मैं हूँ ना टेंशन वाली, क्या बात है, मैं जल्दी से तुम्हारी पैकिंग करा लूंगी। पेमेंट वगैरह की बात की तुमने? पेमेंट वो तुम्हें फेमस कर देंगे वही बहुत है, पेमेंट क्या, मतलब हर चीज देंगे यार, अगर विनर बन गई मैं या आतिका, हम दोनों में से कोई, तो मतलब क्या ही बात होगी यार, दिखा नहीं सके क्योंकि मैंने देखे तो आई एम तो शॉक्ड।
Yes, तो गाइस लोग भी शौक तोड़े होंगे कि यार ये बिग बॉस में कैसे ये झूठ बोल रही है। नहीं गाइस झूठ बिल्कुल भी झूठ नहीं है, ठीक है। हम जा रहे हैं, सच्ची में जा रहे हैं, हमें इनविटेशन आया है इस वजह से हम जा रहे हैं, ठीक है। रुको जरा, सबर, ठीक है, वरना हम झूठ क्यों बोलेंगे आप लोगों से। चलो यार फिर जल्दी से चाय पीते हैं, फिर पैकिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं और जो जो चीजें रह गई है ना। ठीक है गाइस, हम फिर पैकिंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है, ठीक है। ये तुम्हें मैसेज आए कब? मैसेज मुझे बहुत दिन पहले आए थे, मैंने सारी बात कर ली थी उनसे। तो टिकटें कब हुई? टिकटें आज हुई है टिकटें, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को ना मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर मैं तोतली हो गई, मतलब इतना बोला तो मैं तोतली हो गई, तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ओके गाइस, अब मज़ा आएगा ना, वहाँ पे जाके मैं व्लॉगिंग भी करूँगी, ठीक है। क्या पता वहाँ इस सीजन में भी फ़ोन अलाउड हो, तो अगर हुए तो फिर मैं तो पक्का आप लोग ना भी करें तो मैं तो आप लोग 24 घंटे देख सकते हैं। हाँ गाइस, आप लोग मतलब हर एक वीडियो आप लोगों ने लेनी है, ठीक है। हर एक वीडियो मतलब जो कुछ भी कर रहे हो हमने, ठीक है, आप लोगों ने वीडियो लगाती रहनी है, सिंधी पे लगाओ, पंजाबी पे लगाओ, हमसे कांटेक्ट भी करना जो हमारे इंस्टाग्राम को हैंडल कर सकता है, चीजों को हैंडल कर सकता है ना, मैनेजर भी तो होना चाहिए कोई यार। हाँ गाइस, मैनेजर भी कोई हो तो फिर हमें कांटेक्ट करे, ठीक है, ताकि हमारी जो चीजें हैं वो संभालने के लिए कुछ कोई तो होना चाहिए ना यहाँ पर, तो बताना, ठीक है। हाँ तो हम जाके पैकिंग करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, जल्दी पैकिंग करनी होगी, अभी ही करनी होगी, ताकि फिर परसों जाना है यार, मतलब इतना जल्दी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत जल्दी है यार, अब तो बस ये चाय पीते हैं। तुमने मुझे बताया इतनी देर से यार, कुछ बंदा चीज़ यार सरप्राइज था तुम्हारे लिए, सुबह सुबह जाना पड़ेगा हमें बाहर से चीजें वगैरह लेके। सरप्राइज सरप्राइज तो यही होता है ना, सरप्राइज का नाम यही होता है। जाके सोएंगे क्योंकि दो दिन है, एक दिन है सच, तो कैसे इतनी जल्दी सब कुछ मैनेज करेंगे। वहाँ पे भी तुम्हें सोने नहीं देंगे, 8 बजे तुम्हें उठा देंगे। वो तो है, हाँ भी चलो कोई नहीं, चलो देखते हैं, तो देखते हैं हम, ठीक है। लोग हमारी इस जनरी को कैसा पसंद करते हैं, ये क्या करते हैं। ओके ओके गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस आप लोग यकीन नहीं कर सकते यार, मतलब क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब अभी से यदि ऐसे मतलब उठ के चली गई उधर जाके, मतलब पैकिंग कर रही है यार, वो तो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई, मतलब अभी जो बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ने वाली है गाइस आप लोगों के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने प्यार नहीं दिया ना फिर देखना मैं आप सबसे कट्टी हो जाऊँगी। तो अभी हम चलते हैं, ठीक है, देखते हैं वो क्या कर रही है। पैकिंग स्टार्ट कर दी यार उसने, मैं तो प्रैंक कर रही थी, वो तो सीरियस ही हो गई, बैग उठा के चली गई यहाँ से, मतलब क्या कर रही हो? पैकिंग कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ, अब जाना पड़ा तो पैकिंग ना करो। अब भी क्यों कर रही हो पैकिंग? तो कब करेंगे और? तुम मतलब करो, तुम क्या व्लॉगिंग कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? आप भी पैकिंग कर रही हो? मतलब कल के परसों करूंगी। जा कहाँ रही हो? क्या क्यों मतलब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ जा रही हो। तुम बताओ भी क्या बताया तुमने मुझे, मतलब क्या बोला मैंने? बिग बॉस में जा रहे हैं तो पैकिंग भी नहीं करे क्या? कौन जा रहा है बिग बॉस में? क्या बदतमीजी है ये यार, हाथ हिलाओ, तुम्हारे साथ प्रैंक हो चुका है। कैसा लगा मेरा मजाक? यार बहुत ही बदतमीज हो यार तुम। मोए 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 मोए, तुमने मेरे फीलिंग के साथ खेला यार, तुमने भी तो खेला था मेरी फीलिंग्स के साथ। मैंने तुम्हें कुछ बोला? पैकिंग कर रही थी बेचारी, सारी नई पट्टे रख रही थी अपनी। मैंने कहा डेली एक एक सूट पहनेंगे, अब साफ से सारी पैंटे सेट करने लगी हूँ तुम। मैंने कहा टाइम एक तो इतना कम है, पर इसने तो मेरा सारा मतलब गाइस इसने भी तो मेरे साथ प्रैंक किया, इतना बुरा प्रैंक किया आप लोगों ने, जिसने नहीं देखा जाके देखो जल्दी, ठीक है, कि इसने मुझे रुलाया था यार, तो मतलब मजे का हुआ कि नहीं हुआ? क्या रो रही हो क्या यार? रोना क्या तुमने तो यार, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत ही गंदा लगा यार, मजा आया मजा। इस तरह का भी प्रैंक करते हैं? तुम्हारे पास मैसेज कहाँ से आए फिर? मैसेज तो वो मैंने ऐसे ही गाइन से करवाए थे, तो मतलब गाइस बहुत ही मजा आया मुझे, कर लिया इसकी बात मुझे तो बहुत मजा आया, कैसे आ गई। डोंट वरी, अब तेरे साथ भी मैं कोई करूंगी, डोंट वरी। अब तो कल वाले में तो फिर भी थोड़ा किया था ना, थोड़ा सा करूंगी बेटा, तू आगे देख। अच्छा देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके तो देखते हैं ये क्या करती है। ओके गाइस, तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये प्रैंक, अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा है तो ज़रूर बताना है आप लोगों ने, ठीक है, और ढेर सारा प्यार बरसाना है और मुझे बताते रहना है कि मैं क्या क्या करूं, ठीक है।
ओके ये बेचारी जा रही है बिग बॉस में, ठीक है हम जा रहे हैं रूम में, तो चलो इसको पैकिंग के लिए छोड़ देते हैं, ये पैकिंग कर ले अपनी। तो गाइस यार बहुत ही मजा आया मुझे यार, मतलब बहुत ही मजा के साथ खेलना कोई तुमसे ही सीखे यार, इसने भी तो मेरी फीलिंग से हर्ट की यार, इसने भी तो मुझे कितना दुख छोड़ के गई। हाँ यार बेचारी चाय छोड़ के गई थी, ये देखो चाय पड़ी है यहाँ पर। तो कोई नहीं होता रहता है, छोटे छोटे देशों में ये बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। तो गाइस अगर आप लोगों को ये प्रैंक अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ढेर सारा प्यार दें अपना, ठीक है। और जल्दी से सब सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ठीक है। अब आएंगे न्यू न्यू व्लॉग, अच्छे अच्छे व्लॉग, मज़ेदार व्लॉग और चटपटी, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को अच्छे लगते हैं वैसे सारे व्लॉग आएंगे 9 to 10 PM यस रात के। तो सब याद रखना हमें दुआओं में, ओके अल्लाह हाफिज़, लाइक सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय, गया।